कुछ शरारत से भरे हैं तो कुछ हुनर से। मुझे यकीन है कि जल्दी ही मैं तुम्हें और उच्च स्तर के तंत्र सिखा पाऊंगा। क्या वो भी हम मैदान में सीखेंगे? नहीं नहीं, वैसी शिक्षा खुलेआम सबके लिए नहीं, और तो और बिना सही अभ्यास और निगरानी के वैसे तंत्र इस्तेमाल करना दूसरों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। उसके लिए अलग कक्ष है। क्या इसीलिए आश्रम के दक्षिणी भाग में जाना मना है? वहाँ गुप्त तंत्र की कई किताबें और पर्चियां हैं। तो वो कब पढ़ सकते हैं? जब तुम उन शक्तियों को संभालने के काबिल हो जाओ। अब सब आराम करो। जादुई जड़ी बूटियों के लिए जो सिर्फ मैं ले आ सकता हूँ। तो पढ़ने से छुट्टी। हम इनका ध्यान रखेंगे ऋषि असीम। और हाँ, एक जरूरी बात असीम कण के बारे में। बेहतर होगा अगर तुम उसे ढूंढने की कोशिश ना करो। वो आश्रम में दबा है, सुरक्षित है। असीम कण बड़ा ही ताकतवर और जादुई पत्थर है। बुराई और अच्छाई दोनों की उसको समझ भी है और परख भी। मन में खोट लिए उसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं। अच्छा, जल्दी मिलेंगे। शुभ यात्रा ऋषि असीम। चलो शुरू करो सफाई। क्योंकि ये भी आश्रम में रहने और उसके नियमों का मान रखने का भाग है। चलो शुरू हो जाओ। अरे साफ सफाई करना अच्छी बात ही तो है, और वैसे भी हम साथ मिलकर काम करेंगे तो झटपट सफाई खत्म करके खेलने भी जा सकते हैं। चलो हम सब कमरे का एक एक हिस्सा आपस में बांट लेते हैं, क्या कहते हो? Bye.
खिलौने वाला प्लेन नहीं है, वो एक आविष्कार है। अरे कोयला कोयला, प्लेन तो बाजार की तरफ उड़ रहा है। वो उधर गया, उधर उधर। देखते जाइए मौसी। रोको इसे। एकदम सही वक्त पर आए भीम। हमेशा की तरह। दोस्ती की खातिर हमेशा हाजिर। अरे नहीं, मेरा प्लेन। अपने दोस्तों की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ प्रोफेसर धूमकेतु। अरे कोई बात नहीं, बस मुझे एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, मैं चला अपने लैब। और भीम की खातिर ये लो सबके सब। चलो अब आराम से लड्डू खाते हैं। स्वादिष्ट है। वाकई में टुनटुन मौसी जैसे लड्डू और कोई नहीं बना सकता। पर लड्डू का और ज्यादा मजा पेड़ पे बैठ के खाने से आता है। क्यों चक्कू, तुम्हें समंदर पसंद नहीं है क्या? मैं तो ये लड्डू कहीं भी कैसे भी खा सकता हूँ। अच्छा उस्ताद, तो आँख बंद करके खा के दिखाओ। अभी लो। अरे मेरा लड्डू। ढोलू भोलू के बच्चे, रुको, अभी बता दो। रुको, अब आगे जा रहे हो। Ha ha ha!
चाहता है कोई चित्र अजब सा, रंग कला का मेल गजब का, गुलाब जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तू जाकर देखो रास्ता साफ है क्या, जाओ जाओ देखो। शायद वो सो गया होगा, एक बार देख तो लेते हैं। कालिया उस्ताद, कालिया उस्ताद। तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो, हम कालिया के साथ निकले? यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल, यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए आपका अंत। चित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे आश्रम निकालो। चलो अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। कितना
इतने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ। गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है, ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल, अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। डालिए चाचा। ये लीजिए। शुक्रिया भीम, अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और 2 होंगे। अब सुनो। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया, अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे पहुँच आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया, पैर ठीक हो गया क्या? अब अच्छा लग रहा है, शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी, चलो ढूंढते हैं। हाँ।
बस बस अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो, मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है, अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाई है। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तुमने कमाल कर दिया। इतनी सारी मक्खियाँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा क्या? मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूंगा मक्खियों। उपा लाओ मेरी प्यारी मक्खियों और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी जूस अब मुझे हरा कर दिखाओ। देखा मेरा कमाल। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब
दो नकली कालिया भी गायब। ये क्या, मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूँ और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊँ। किला तो एकदम ठीक रहेगा। वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा, आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा।